सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फ्रेश डेट वारंट जारी को, आज हुआ कि हाथ जोड़ के खड़ा हो गया तो एक दिन में सब कुछ बदल गया। ये फांसी तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारा मुकद्दर है। जैसे जैसे तुम चारों के गले में फांसी का फंदा कसेगा, वैसे वैसे निर्भया की माँ के सीने में छिपे दर्द का फंदा अपनी जकड़ कमजोर करेगा। कमजोर करे भी क्यों ना, पिछले 7 सालों से कोर्ट और हमारी सरकारों ने इन चारों भेड़ियों यानी मुकेश, पवन, अक्षय और विनय को तीनों टाइम भर पेट खाना खिलाया, चैन की नींद दी। तो वहीं अपनी बेटी निर्भया की मौत को करीब से देखने वाली माँ को दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया। इस लंबी तारीख के अंत का इंतजार बस कुछ दिन का और है। हाईकोर्ट के डेथ वारंट जारी करते ही तिहाड़ में बैठे इन दरिंदों की कहानी का दायन करने की तैयारी जोरों पर है। पूरा देश घड़ी के पल पल चढ़ते कांटों के साथ दिल थामे उनकी गर्दन का हवा में झूलने का इंतजार कर रहा है। लेकिन फांसी होने से कुछ रोज पहले वो चुनिंदा लोग हैं जो हर घड़ी इन चार वैश्यों की खौफजदा आंखों के सामने नाचती मौत के तांडव को देखेंगे, वो भी 2400 घंटे। चलिए आज क्राइम तक पर जाने कोर्ट के फांसी की सजा सुनाने के बाद चारों राक्षसों की रातें तिहाड़ जेल की किस काल कोठरी में बीत रही है। फिलहाल चारों दरिंदे तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास बनी फांसी की कोठरी के पास बने 4 अलग अलग काल कोठरी में रह रहे हैं। फांसी से पहले कैदियों को किसी काल कोठरी में रखा जाता है जो कि तिहाड़ में रह रहे कैदियों से बिल्कुल ही अलग थलग और एकांत में है। हम जानते हैं आपके मन में फांसी की सजा पाए कैदियों के जेल वाले कमरे को लेकर हजारों सवाल पनप रहे होंगे। तो आइए आज हम आपको तिहाड़ की उस काल कोठरी की टॉप सीक्रेट चीजें बताएं जो आज से पहले आपने कहीं और नहीं सुनी होंगी। नॉर्मल सेल से काल कोठरी में ले जाने से पहले बकायदा चारों दरिंदों का मेडिकल चेकअप करवाया जाता है। मेडिकल जांच के लिए जेल में डॉक्टर का एक दल भेजा जाता है। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि काल कोठरी में जाने से पहले उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी न हो। काल कोठरी में ट्रांसफर से पहले मेडिकल अफसर की मंजूरी होना बेहद जरूरी है। इसके बाद जब ये पूरी तरह सुनिश्चित हो जाए कि इनकी तबीयत ठीक है, उसके बाद इनके पूरे शरीर की तलाशी ली जाती है ताकि वो ऐसा कोई सामान अपने साथ ना ले जा सके जो आगे चलकर उनके सुसाइड का कारण बने। सारी जांच पड़ताल करने के बाद चारों वहशियों को बाकी कैदियों से अलग एक ऐसी काल कोठरी में डाल दिया जाता है जहां 24 घंटे उन पर नजर रखी जाती है। एक कैदी के ऊपर 3-3 गार्ड 8 घंटे की शिफ्ट में उस पर लगातार अपनी नजर बनाए रखते हैं। कैदियों को किसी से भी बात करने की इजाजत तक नहीं होती। डेथ वारंट के मिलने के अगले 14 दिनों के दरमियान वो ऐसे ही अपना समय अंधेरी काल कोठरी में बिताते हैं। जेल मैनुअल के अनुसार ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मौत की सजा पाया कैदी दूसरे कैदी के साथ मरने से पहले अपने आप को किसी और तरीके से नुकसान न पहुंचा ले। काल कोठरी से हर सुबह उन्हें बाहर निकाल कर उनके पूरे शरीर की जाँच की जाती है और हर रात सोने से पहले एक बार फिर से इनकी पूरी जाँच की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।